हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ अमरूद का पौधा और जिस माली से मैं इसको लिया खरीदा है उसने इसका नाम बताया है कि इसका नाम है बन के जी अमरूद। तो इसके ऊपर आने वाले हैं दोस्तों 1 kg का एक अमरूद जो माली ने मुझे बताया, तो आज हम इसको लगाने जा रहे हैं। तो जी मैंने इसके पॉलीथीन था जो बोरी का बना हुआ था उसमें से मैंने निकाला है और ये ग्राफ्टेड प्लांट है। और जैसे कि माली ने मुझे बताया है कि ये 1 kg का अमरूद देने वाला है और ये 6 महीने के अंदर अपना फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा, लेकिन ज़्यादा फ्रूट नहीं देगा, अगले साल तक ये बहुत अच्छा से फ्रूट देना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों हम इसको लगाने के बारे में जानते हैं। ये दोस्तों मैंने ये लाल मिट्टी ली है, थोड़ा सा लाल मिट्टी है मेरे पास। उसके बाद मैं इसमें मिक्स करने वाला हूँ ये अपना एक नॉर्मल रेत है, नॉर्मल रेत लाल मिट्टी, और उसमें मैं ये मिक्स करूँगा कंपोस्ट। कंपोस्ट मेरे पास है ये गाय का गोबर, जैसे जो भी है काऊ डंक वगैरह, मैन्यूर, जो भी खाद मेरे पास मिली है वो है। तो इन तीनों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगा। तो मिक्स करना है इसको, मिक्स करके हम क्या करना है, दो बाई दो फुट का जो खड्डा हमने खोदना है। जब हम इस प्लांट को लगाएंगे तो जो उसकी रूट की ग्रोथ है ना वो अच्छे से डेवलप हो सके, इसलिए 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा इसको खोदना है। तो ये मैंने दो बाई दो फुट का खड्डा खोदा था। तो खड्डा खोदने के बाद मैंने इसमें ये सीधा सीधा जो मेरा पौधा था वो रख दिया है, और अभी इसको सीधा पौधा रखने के बाद चारों तरफ से मैं मिट्टी डाल के खड्डे को मिट्टी से भर दूंगा। जो मिट्टी मैंने तैयार की थी वो डाल रहा हूँ इसमें। मैंने जो मिक्सचर बनाया था लाल मिट्टी रेत और जो गोबर की खाद थी उसको मिलाया था, तो अभी इसको मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं आने वाले दिनों में आपका इसका अपडेट भी दिखाऊंगा ये कैसे अपना ग्रोथ कर रहा है, कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी ये मैंने इसको अच्छे से मिट्टी डाल के पूरा साफ कर दिया है और इसको अभी हम पानी डालेंगे। इसको पानी डालना है, फर्स्ट टाइम इसको अच्छे से पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद इसको ध्यान ये रखना है कि जब भी ये पौधा बड़ा हो रहा है तो उसको एक लकड़ी के साथ या डंडे के साथ इसको सीधा बांध देना है ताकि ये साइडवेज ना जाए और ये अपनी ग्रोथ सीधा सीधा कर सके। ये देखो दोस्तों एंड के ऊपर छोटे छोटे